आज आपके साथ हम नाश्ते की बहुत ही मस्त, बहुत ही गजब सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है ना कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार खाएंगे ना तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज़ के आलूओं को भी कद्दूकस कर लिया है। सारी चीज़ों को हमने पानी से काफ़ी अच्छे से साफ़ करने के बाद इस तरीके से इसको ग्रेट किया है। तो ये देखिए, पत्ता गोभी के लच्छे आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे लंबे और बड़े साइज़ के हैं। और इधर जो कच्चे आलू हैं उसको भी हमने ग्रेट किया है। तो दोनों चीज़ें देखने में तो आपको सेम लग रही होंगी ना, इसीलिए मैंने अलग अलग हाथ में रख के दिखा दिया है। तो कच्चे आलू हमने ग्रेट किए हैं, पत्ता गोभी को ग्रेट किया है। तो अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें मिलाने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो अब इसमें हमने थोड़े से कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें ऐड करनी होंगी, जिसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और उसके बाद आप इसमें जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक आप इसमें थोड़ा कम डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और अब इसमें एकदम हमने ग्रेट करके लहसुन लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, तो अदरक और लहसुन दोनों को हमने ग्रेट करके डाला है। कटी हुई हरी मिर्ची डालते हैं, तीखा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं मिर्ची की। कटी हुई धनिया की पत्ती डालते हैं, और यहाँ पर हमने 2 चम्मच मीडियम साइज़ के चम्मच हैं हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास सूजी है ना तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर हमने डालना है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है हमने सूजी से थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी कि 3 से 4 बड़े चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। तो चम्मच की साइज़ काफ़ी बड़ी थी तो हमने 2 चम्मच डाला है मीडियम साइज़ से, ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। तो अब इसे हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। पानी का हमें इसमें एक बूंद भी नहीं डालना है, क्योंकि आप जानते हैं आलू और पत्ता गोभी से पानी रिलीज होता ही है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो आपके हाथ खुद ही बहुत ही गीले गीले से लगेंगे, इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। अलग से आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तब आपको इसमें पानी थोड़ा सा डालना पड़ सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सारी क्वांटिटी जो जितनी मैंने बताई है आप उसी हिसाब से डालिएगा। या फिर आप पहली बार बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में पहले आप मिला लें, और फिर आपको लगे तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। तो हाथ पे देखिए काफ़ी पानी आपको लग रहा है ना, तो बस अब इसी तरीके से हल्के हाथों से हमें इसकी बॉल्स बनानी है। बहुत ज़्यादा ना हमें इसे प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा इसे रफली ही इसकी बॉल्स बनानी है। उसके बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है तेल में। तो तेल पहले ही गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया था, एक एक करके बॉल इसमें डालेंगे, और तुरंत ना इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जिससे कि ये टूटे नहीं। तो बॉल डालने के बाद कुछ सेकंड आप वेट कीजिए, उसके बाद इसे हल्के हाथों से पलटना है। तो जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। और ये पकौड़े इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इतने गजब के लगते हैं ना, कि आप एक बार इसको बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सिंपल पकौड़े तो अक्सर ही हम अपने घरों में बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अलग तो बनाना बनता ही है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सारे आलू और पत्ता गोभी के पकौड़े को हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल ना कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर बहुत ही क्रिस्पी ये पकौड़े बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं खाने में। तो चलिए अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं, हर तरफ से पलटकर आप इसको फ्राई कीजिएगा मीडियम फ्लेम पर। और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना तब इसे निकाल लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये पकौड़े खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा सा कलर आ चुका है ना, तो इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, वरना हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और सारे पकौड़े को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर इसको हम सर्व करते हैं। तो फाइनली ये लीजिए, हमारे आलू और पत्ता गोभी के बहुत ही टेस्टी, यानी कि सुपर टेस्टी पकौड़े रेडी हो चुके हैं। आप इसे किसी भी मौसम में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। दिखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ही गजब के लगते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतना पसंद आएगा आपको। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बनाने में कोई मुश्किलें भी नहीं आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की बहुत सारी यूनिक यूनिक रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कीजिएगा, ट्राई भी कीजिएगा। कैसी लगी
ज़रूर बताइएगा। अगर ट्राई करने के बाद आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये पकौड़े बहुत ही अमेजिंग लगते हैं ना, दिखने में एकदम थोड़ा सा अलग सा ही लगता है नॉर्मल जो पकौड़े बनाते हैं उसकी अपेक्षा, लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो सच में इसके जो लेयर होते हैं आलू पत्ता गोभी के, और ये हमने लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। ये लहसुन की चटनी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड है पहले से, आप चेकआउट कीजिएगा। और ये लहसुन की जो चटनी बनती है ना, वाह, इसका तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चेकआउट कीजिएगा। ये चटनी बहुत ही गजब लगती है, इसको बनाकर आप महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस लहसुन की चटनी के साथ ये पकौड़े इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि आप एक बार बनाकर खाइए। ये दोनों रेसिपी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक बार बनाना और खाना तो बनता है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा। लहसुन की चटनी का वीडियो हमारे चैनल पर आप जाकर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। और ये चटनी एक बार आप खा लेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो। तो चलिए हम मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।